हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज नुक्कड़ तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नोइंग अवर नंबर्स जो कि हमने पूरा कंप्लीट किया था उसका हर एक टॉपिक हमने वहाँ पे कवर किया था ठीक है अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है होल नंबर्स तो होल नंबर्स क्या होता है और होल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर करने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि हम जब काउंटिंग करते हैं तो हम काउंटिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स हम काउंटिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड सो ऑन हम ऐसे ही काउंटिंग करते हैं इन्फिनी तक लाइक like, आपको किसी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए दे दिया लाइक like, आपको दे दिया कि आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप कैसे काउंट करोगे कैसे करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे ही काउंटिंग करोगे आप जीरो से काउंट नहीं करोगे आप किससे काउंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट से तो ये क्या है ये नेचुरली नंबर्स आ रहे हैं तो होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हम ऐसे ही लर्न करते हैं नंबर्स को तो ये कौन से नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स ये कौन से नंबर्स हैं स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं जैसे आपको कोई नंबर दे दिया वन थ्री फाइव सेवन एट और आपसे पूछा कि ये कैसा नंबर है तो आप क्या बताओगे नेचुरल नंबर है यही आप बताओगे क्या कि दिस इज़ अ नेचुरल नंबर ओके अब हम होल नंबर्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे प्रेडिससर एंड सक्सेसर क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रेडिशेशर एंड सक्सेसर क्या होता है हम पहले ये पढ़ेंगे का मतलब क्या होता है वॉट कम्स बिफोर वॉट कम्स बिफोर और सक्सेसर का मतलब क्या होता है वॉट कम्स आफ्टर ठीक है कि किसी चीज से पहले क्या आएगा वो क्या होता है प्रेडिसिसर और किसी चीज के बाद में क्या आएगा वो क्या होता है अपना सक्सेसर होता है अब हम छोटी क्लासेज में क्या पढ़ते थे कि फोर से पहले क्या आएगा ये लिखो और सिक्स के बाद क्या आएगा ये बताइए इस तरह से हमने पढ़ा हुआ है पहले तो हम क्या करेंगे फोर से पहले क्या आता है हमको पता है फोर से पहले तो थ्री आता है और सिक्स के बाद में क्या आता है सेवन आता है तो अब ये थ्री और सेवन कैसे आया कैसे आया बताइए हमने इसमें क्या किया फ़ोर में फोर में माइनस वन कर दिया माइनस वन किया तो थ्री आ गया और यहाँ पे सिक्स में क्या कर दिया हमने प्लस वन कर दिया तो हमारा कितना आ गया सेवन आ गया ठीक है तो प्रेडिससर प्रेडिससर को हम कैसे याद रख सकते हैं प्रीवियस प्रीवियस से याद रख सकते हैं कि नहीं प्रीवियस मतलब पहले का तो देखो अब यहाँ पे हमने पहले का नंबर लगा दिया ना फोर से पहले क्या आता है थ्री आता है तो उस इसका जो फोर का प्रेडिससर क्या हो गया थ्री हो गया सक्सेसर को हम कैसे याद रख सकते हैं सक्सेस से कैसे सक्सेस सक्सेस क्या होती है कि एक स्टेप ऊपर चले जाना जैसे हम कोई भी काम करना है या हमको कोई भी एग्ज़ाम देनी है तो हमने एक एग्ज़ाम पास कर ली तो हम एक स्टेप ऊपर चले गए जैसे आप फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास में आए हो तो आपने क्या किया आपने सक्सेस प्राप्त की आपको सक्सेस मिली कैसे आप फिफ्थ क्लास में पास हुए तभी तो आप सिक्स क्लास में पहुँचे तो इस तरह से हम सक्सेस से किसको याद रख सकते हैं सक्सेसर को सक्सेसर का मतलब है एक स्टेप आगे तो सिक्स से एक स्टेप आगे क्या आ गया हमारा सेवन आ गया सिक्स में हमने प्लस वन ऐड कर दिया तो कितना हो गया सेवन हो गया ठीक है तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि अब प्रेडिससर और सक्सेसर को हम कैसे यूज में लेते हैं तो अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे लाइक like आपके पास कोई नंबर है वन थ्री सिक्स सेवन एट तो आप अब इसमें क्या करोगे माइनस वन कर देंगे क्या कर देंगे हम माइनस वन कर देंगे तो कितना आ जाएगा एट में से वन गया तो सेवन और वहाँ पे जो सेवन है वो सिक्स थ्री और वन तो ये हो गया हमारा क्या प्रेडिसेसर ऑफ थर्टीन सिक्स सेवन एट का प्रेडिससर क्या हो गया थर्टीन सिक्स डबल सेवन अब हम सक्सेसर का एक एग्जांपल कर लेते हैं लाइक आपके पास नंबर है टू थ्री सेवन एट थ्री तो इसमें से हम क्या करेंगे अब सक्सेसर निकालने के लिए प्लस वन कर देंगे ठीक है तो कैसे करेंगे थ्री प्लस वन फोर एट सेवन टू थ्री तो ये क्या हो गया सक्सेसर हो गया क्या हो गया सक्सेसर और ये क्या हो गया हमारा प्रेडिससर ठीक है तो इस तरह से हम सक्सेसर और प्रेडिससर को पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स अभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं मैंने अभी बताया आपको वन टू थ्री फोर फाइव एंड इन्फिनीट तक क्या होंगे ये नेचुरल नंबर्स होंगे अब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं है नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं तो अब आपको पूछा जाए कि जो वन है जो वन है क्या नेचुरल नंबर्स में वन का कोई प्रेलीसीसर होगा तो वन माइनस वन वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो ऐसे ही हम प्रेलीसर निकालते हैं माइनस वन करके ही तो जीरो तो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर तो वन का कोई नेचुरल नंबर में प्रेडिसेसर नहीं है अगर आपको क्वेश्चन आए कि कि क्या नेचुरल नंबर्स में जो वन है उसका प्रेडिसेसर है तो नहीं नेचुरल नंबर्स में वन का कोई प्रेडिसेसर नहीं है लेकिन हाँ वन का सक्सेसर जरूर है कितना हो जाएगा टू हो जाएगा इसका सक्सेसर ठीक है एक नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका उसमें कोई ऐसा है नंबर जिसका कोई लास्ट सक्सेसर हो कि उसके बाद कोई नंबर ही ना हो तो क्योंकि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से लेके नेचुरल नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं और इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा है जिसकी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जैसे हमारे पास समुद्र होता है समुद्र में कितना पानी होता है बहुत ज़्यादा पानी होता है तो जिस तरह समुद्र में बहुत पानी है उसकी हम उसका हम पता नहीं लगा सकते कि कितना पानी है इसी तरह हम नंबर्स का भी पता नहीं लगा सकते हैं कि कितने नंबर्स हैं तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका कोई लास्ट सक्सेसर हो तो मैंने आपको ये दो क्वेश्चन बताए हैं कि जो वन है उसका नेचुरल नंबर्स में कोई प्रेडिसेशन नहीं होता है और जो नेचुरल नंबर्स में या किसी भी नंबर में ऐसा नहीं है कि उसका वो लास्ट सक्सेसर है तो लास्ट सक्सेसर नहीं होता है क्योंकि जो हमारे नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन्फिनीटी तक हैं तो हर एक नंबर का अपना एक सक्सेसर है अब हम पढ़ेंगे होल नंबर्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे होल नंबर्स अभी तक हमने क्या पढ़ा नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं और नेचुरल नंबर्स में हम कौन कौन से प्रलिसर सक्सेसर हैं तो होल नंबर्स क्या है हमारा अब हमने होल नंबर्स में क्या ले लिया ज़ीरो ले लिया नेचुरल नंबर्स कहाँ से थे वन से स्टार्ट हो रहे थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इन्फिनिटी तक क्या था हमारा नेचुरल नंबर्स थे अभी हमने क्या किया जीरो को भी इंक्लूड कर लिया किसको ज़ीरो को भी तो होल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड हो गया अभी ये ऐसा नहीं कि नाइन तक ही रहेंगे ये और आगे भी चलेगा अपना ठीक है यहाँ पे मैंने एक लाइन पे आपको होल नंबर्स को बताया है तो जीरो वन टू थ्री से इन्फिनीटी तक क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं तो ज़ीरो तो ये क्या है होल नंबर्स ज़ीरो क्या है एक होल नंबर से आपको क्वेश्चन में आए कि क्या ज़ीरो एक होल नंबर है तो आप क्या लिखोगे यस जीरो इज़ अ होल नंबर इसको हम याद कैसे रखेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या होल नंबर में ज़ीरो है और क्या नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है तो हमको कैसे लिखना है होल होल का मतलब क्या होता है पूरा होल मतलब पूरा मतलब एक है? गोला पूरा ऐसे ये होल हो गया ये चीज़ होल है तो ऐसे हमको होल से याद रखना है क्या ज़ीरो कि ज़ीरो जो है वो होल नंबर में इंक्लूड होगी तो इसको भूलना नहीं है होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं हमेशा ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते हैं नेगेटिव नंबर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स जितने भी हैं नेगेटिव नंबर वो होल नंबर में और नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होंगे तो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपको क्या क्वेश्चन आएगा कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क क्या सारे जितने होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं तो हम क्या अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि भैया होल नंबर्स क्या पढ़े थे हमने क्या पढ़े थे होल नंबर्स में बताइए अभी हमने पढ़ा है जस्ट ज़ीरो वन टू थ्री ये हमारे होल नंबर्स होते हैं और हमने नेचुरल नंबर्स में क्या पढ़ा था बताइए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे वन टू थ्री फोर नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं और जो होल नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं नहीं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें क्या है एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है जीरो क्या है इसमें एक्स्ट्रा इसके अंदर ज़ीरो नहीं है लेकिन इसके अंदर तो ज़ीरो है सारे जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हैं तो ये हमने यहाँ से एक कंसेप्ट निकाला और ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर क्या सारे जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं तो नेचुरल नंबर क्या है हमारे वन टू थ्री फोर इस तरह से होते हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर से स्टार्ट होते हैं तो जे देखो जितने भी ये नेचुरल नंबर्स आएंगे क्या वो होल नंबर्स में नहीं आ रहे हैं देखिए क्या होल नंबर्स में नहीं आ रहे आ रहे हैं देखो जीरो ये वन टू थ्री फोर फाइव से जितने भी नंबर हैं वो जो ये नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं सिर्फ एक जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर किससे मिलके बना जीरो प्लस नेचुरल नंबर से मिलके ही तो बना तो सारे नेचुरल नंबर देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे होल नंबर्स में तो यस हम क्या बोलेंगे यस ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स ठीक है सो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन अब हम क्या पढ़ेंगे नंबर लाइन पढ़ेंगे तो नंबर लाइन पे हम क्या क्या पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं मैंने यहाँ पे ये नंबर लाइन बनाई हुई है जिसपे मैंने नंबर मार्क किए हुए हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड एलेवन तक इलेवन एंड ट्वेल्व तक मैंने नंबर मार्क्स किए हुए हैं यहाँ पे ठीक है तो अभी मैं इसमें क्या देखूंगी कि जो दो नंबर हैं जीरो और वन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है वन यूनिट का है तो इस नंबर लाइन पे हम क्या देखते हैं कि जो इन नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है कितनी है जीरो और वन के बीच में कितनी डिस्टेंस है वन यूनिट की वन और टू के बीच में भी कितनी है वन यूनिट की क्योंकि वन में वन ऐड करेंगे तो टू हो जाएगा तो ये जित तो इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं उनमें कितनी डिस्टेंस है हर एक नंबर के बीच में वन यूनिट की डिस्टेंस है ठीक है जैसे नंबर सेवन जैसे हमने नंबर सेवन ले लिया और हमने ले लिया नंबर फोर ठीक है तो जो नंबर फोर है वो कितनी डिस्टेंस के बाद सेवन आ रहा है कितनी डिस्टेंस कवर की उसने फोर से फाइव में कितनी वन यूनिट फाइव से सिक्स में भी कितनी यूनिट वन यूनिट और सिक्स टू सेवन में भी कितनी यूनिट वन यूनिट उसने कवर की तब जाके वो सेवन पे पहुंचा कैसे पहुंचेगा पहले फोर टू फाइव पहुंचेगा फिर सिक्स और फिर सेवन ऐसे ही वो सेवन पे पहुंचा तो जो सेवन नंबर है वो बड़ा है किससे से फोर से तो सेवन इज ग्रेटर देन फोर और फोर इज लेस देन सेवन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते अब इसको तो जो राइट right साइड में जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं बिग होते हैं बिग होते जाते हैं और जो लेफ्ट साइड में जो नंबर रहते हैं वो स्मॉल रहते हैं कैसे होते जाते हैं स्मॉल जैसे एट और नाइन तो एट जो है वो नाइन के किस में, तो तो right में है लेफ्ट में तो एट स्मॉल है और नाइन बिग है एलेवन और ट्वेल्व तो ट्वेल्व किस में है राइट में है एलेवन के राइट right में क्या है ट्वेल्व है और ट्वेल्व के लेफ्ट में क्या है एलेवन है तो जो ट्वेल्व है वो एलेवन से बड़ा है ठीक है इसका ये कंसेप्ट होता है अभी हम नंबर लाइन पे क्या पढ़ने वाले हैं एडिशन ठीक है addition, पहले हम क्या पढ़ेंगे एडिशन पढ़ेंगे कि नंबर लाइन पे हमें एडिशन कैसे करना है लेट्स से आपको टू प्लस थ्री करना है ठीक है छोटा छोटा नंबर हम लेते हैं अभी कि आपको टू प्लस थ्री करना है नंबर लाइन की हेल्प से तो आप कैसे करोगे तो टू पे जाओगे आप पहले टू रहा अब टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री का मतलब है आपको थ्री स्टेप आगे जाना है तो कैसे जाएंगे थ्री स्टेप जाने के लिए वन स्टेप फिर थ्री से फोर और फोर से कितना फाइव तो हमने प्लस वन प्लस वन और प्लस वन प्लस वन प्लस वन हमने किया तो कितना आ गया हमारे पास में फाइव आ गया तो कितना आंसर हमारा हो गया ये इसका फाइव आंसर हो गया अभी लेट से आपको करना है क्या सिक्स प्लस फाइव सिक्स प्लस फाइव कितना हो जाएगा तो हम क्या जाएंगे पहले सिक्स पे जाएंगे फिर क्या करेंगे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हमको फाइव स्टेप आगे जाना है क्योंकि फाइव ऐड करना है तो टू फिर थ्री फोर और फाइव तो हम कहाँ पहुँच गए फाइव स्टेप जंप करने से एलेवन पे पहुँच गए जब हमको सिक्स प्लस फाइव करेंगे तो हम सिक्स से स्टार्ट करके और फाइव स्टेप जंप करेंगे तब जाके हम इलेवन पे पहुँचेंगे तो ये हो गया हमारा एलेवन आंसर ठीक है तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे एडिशन करते हैं अभी अगर हमको नंबर लाइन पे क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अब जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि फाइव माइनस थ्री करो तो कैसे करोगे आप आप क्या देखोगे आप फाइव पे जाओगे पहले पहले नंबर क्या है फाइव तो हम फाइव पे गए सब्ट्रैक्शन में हम पीछे जाते हैं और एडिशन में हम आगे की तरफ मूव करते हैं और सबट्रैक्शन में हम पीछे की तरफ मूव करते हैं तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे तो अगर हम एक एक स्टेप फिर से हमको पीछे जाना है तो कितने स्टेप पीछे जाना है हमको थ्री स्टेप पीछे जाना है क्योंकि माइनस थ्री करना है तो इसके बाद हमको थ्री स्टेप पीछे की तरफ जंप करना है जब पीछे की तरफ जंप करेंगे तो हमने कितना किया माइनस वन माइनस वन माइनस वन तो थ्री स्टेप हमने जंप कर दिया तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया टू क्योंकि हम कहाँ पहुँच गए टू पर पहुँच गए तो इस तरह से हम करते हैं क्या सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन तो स्टूडेंट्स अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जैसे हमको क्या सबट्रैक्ट करना है मान लीजिए आपको सबट्रैक्ट करना है क्या सिक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है थ्री सब्ट्रैक्ट करना है तो आप नंबर लाइन की हेल्प से आप कैसे करोगे इसको सब बताइए कैसे करेंगे अभी मैंने बताया था कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे सिक्स से तो सिक्स कहाँ पर है नंबर लाइन पे सिक्स ये रहा ठीक है तो हम क्या करेंगे अब सिक्स से फाइव पे आएंगे फिर फोर पर और फिर थ्री पर तो हमने कितने जंप पीछे किए तो हम कितने पीछे आए हम थ्री यूनिट पीछे आ गए कितने यूनिट पीछे आए थ्री यूनिट पीछे आए तो हमारा आंसर क्या मिल गया है? हमको थ्री तो हाँ तो सिक्स माइनस थ्री इसको कितना हो गया थ्री आंसर हो गया हमारा तो इस तरह से हम नंबर लाइंस पे क्या करते हैं सब ट्रैक्शन करते हैं क्या करते हैं सब ट्रैक्शन तो हमने नंबर लाइंस पे एडिशन किया सब ट्रैक्शन किया अब हम जो करेंगे वो क्या है मल्टीप्लीकेशन अब हम क्या करेंगे नंबर लाइन पर हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं ठीक है तो हम मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करेंगे लेट्स से आपको क्या करना है टू मल्टीप्लाई थ्री करना है टू को किससे मल्टीप्लाई करना है थ्री से अब टू को मल्टीप्लाई थ्री से करने का मतलब ये है कि हमको थ्री टाइम्स टू टू स्टेप्स जंप करना है थ्री टाइम्स क्या करना है टू टू स्टेप को जंप करना है तो वन और टू ठीक है तो हम फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया दूसरा स्टेप हम कहाँ पहुँच जाएंगे फोर में पहुँच जाएंगे और तीसरे स्टेप में हम कहाँ पहुँच जाएंगे सिक्स में पहुँच जाएंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा हमने कितने स्टेप कर लिए वन टू थ्री थ्री स्टेप हमने जंप किया लेकिन थ्री स्टेप हमने टू टू यूनिट लिए कितने यूनिट एक बार में हमको टू यूनिट जम्प करनी है कितनी यूनिट करनी है टू यूनिट पहले हम एक एक यूनिट जंप कर रहे थे जब हम एडिशन सब्टशन कर रहे थे लेकिन अभी हमको मल्टीप्लीकेशन में टू टू यूनिट को जंप करना है तो हमने टू टू यूनिट जंप किए कितने बार थ्री बार क्योंकि हमको टू को थ्री बार मल्टीप्लाई करना है ठीक है थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा सिक्स हम लास्ट में कहाँ पहुंचे सिक्स पर पहुंचे तो ये हो गया हमारा आंसर लेट्स से आपको मल्टीप्लाई करना है फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री तो अब कैसे करोगे अब इसमें क्या आ गया फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमको थ्री यूनिट एक साथ में जंप करना है तो थ्री यूनिट हम एक साथ में जंप करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे थ्री वन देखो वन यूनिट टू यूनिट और थ्री यूनिट अब फिर से थ्री पे पहुँचना पड़ेगा तो थ्री यूनिट में हम क्या पहुँचेंगे सिक्स पे देखो यहाँ पे वन टू थ्री हम थ्री यूनिट जंप करें एक साथ में अब वन टू थ्री फिर से हमको थ्री यूनिट जंप करना पड़ेगा और कितनी बार करना है फोर टाइम करना है ठीक है फोर टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि फोर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हम वन टू थ्री और फिर से वन टू और थ्री तो वन और टू थ्री यहाँ पे हम पहुँच गए कहाँ ट्वेल्व पर तो थ्री थ्री टाइम्स हमने जंप किया कितनी बार फोर टाइम्स क्योंकि हमको फोर से मल्टीप्लाई थ्री कितनी बार हो रहा है फोर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से इसका आंसर कितना हो गया लास्ट में हम कहाँ पहुँचे ट्वेल्व पे पहुँच गए थ्री थ्री यूनिट जंप करके एक साथ में हमने थ्री यूनिट जंप किया है ये हमको याद रखना है तो इस तरह से हम मल्टीप्लीकेशन को करते हैं किस पर नंबर लाइन्स पर होल नंबर्स में जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पर जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा पूरा क्योंकि इसको आप पूरा देखोगे तो ही आपको होल नंबर नेचुरल नंबर ठीक से समझ में आएगा और नंबर लाइंस भी इसी वीडियो को देख के समझ में आएगी